दिल्ली के पंचकुआ मार्ग पर इमामिया हॉल शिया जामा मस्जिद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से शिया उलेमा ने शिरकत की। इस अजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चर्चा हुई, जिसमें तय पाया गया है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। अगर सरकार यूसीसी को लागू करेगी तो वो उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन उससे पहले ड्राफ्ट का इंतजार है। देखिए, चूंकि यूसीसी बस ये सुन रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उस मुल्क में जहां हर 200 किलोमीटर पर जबान बदल जाए, रहन सहन का तरीका बदल जाए, इतनी कौमें यहाँ रहती हैं, हर एक के अपने अलग अलग तरीके कार हैं, तो ये यूसीसी एक लफ्ज़ आ जाए, इस पर तो कोई समर्थन वगैरह नहीं हो सकता है। जब तक यूसीसी का ड्राफ्ट ना आ जाए कि क्या चाहते हैं, किस चीज़ में चाहते हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आना चाहती हैं, जब ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी और उसमें ये देखा जाएगा कि कोई बात शरीयत से नहीं टकराती है, याद रखिएगा इस बात को, अगर शरीयत से टकराती है कोई बात तो फिर मसला खड़ा होगा। इधर मुल्क में भी बहुत ज्यादा परेशानियों से सामना है, हर तरह की परेशानियां आप देख रहे हैं, आए दिन टीवी पर देखते होंगे, न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, अखबारों में देखते होंगे, जो कुछ हमारे मुल्क में परेशानियां हैं। हम तो अल्लाह से दुआ करते को सब दूर हो जाए और हम सब हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले हैं सब एक कौम की तरह, एक खानदान की तरह और एक बाप माँ बाप की औलाद की तरह, भाई बहनों की तरह मिलके यहाँ रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, एक दूसरे काम आए, ये सब बताया गया था। इल्म है, तालीम है, सबसे ज्यादा जोर दिया गया तालीम पर कि बच्चों को तालीम दिलाइए, और फिर ये जोर दिया गया कि भाई एक ऐसा आदमी और या ऐसी जमात होना चाहिए जो सबको अच्छाइयाँ बताए, अच्छाइयाँ करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपने दीन के लिए करें।